नमस्कार, स्वागत है आपका इस साइटोक्रोम P450 की चर्चा में। पिछली कक्षा में आपने अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देखी थी। ये सभी क्रियाविधि बहुत रोचक थी। आपने देखा था किस तरह आयरन हाइड्रोपरऑक्सो बनता है और इसके बाद ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड का इस क्रियाविधि में क्लीवेज होने पर हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो स्पीशीज़ बनता है। अब आप चकित होंगे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 में क्या अंतर है। यह जो अभिक्रिया हो रही है और इसमें आयरन सुपरऑक्सो स्पीशीज़ बनते हैं, ऐसा कोई भी स्टेप्स हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में नहीं होते हैं। यहाँ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम P450 में और क्या अंतर होता है। हाँ, आप सही समझे, यह इनके एक्सियल लिगेंड या निकटवर्ती लिगेंड में है। साइटोक्रोम P450 पर स्थित एक्सियल लिगेंड सिस्टीन होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में यह हिस्टिडीन होता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की कार्यविधि और प्रोटॉन स्थानांतरण की कार्यविधि में भी अंतर होता है, लेकिन इन दोनों में एक्सियल लिगेंड का फर्क इनमें बहुत अंतर बना देता है। जैसा अगर एक्सियल लिगेंड हिस्टिडीन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज इतना आसान नहीं होता। आइए हम देखें सिस्टीन लिगेंड की ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में क्या भूमिका होती है। इस स्लाइड पर यह देखा जा सकता है कि सिस्टीन का आयरन III केंद्र पर लिगेशन कई प्रकार से मदद कर सकता है। इसमें से इनकी अहम भूमिका यह है कि साइटोक्रोम C में बहुतादाद संख्या में पार्श्व श्रंखला अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन फिर भी यह प्रोटॉन के वाहक द्वारा आयरन III पर ऑक्सो इंटरमीडिएट के प्रोटोनेशन में बहुत मदद करते हैं। यहाँ चार्ज थियोनाइन 252 और एस्पार्टेट 251 के मध्य से रिले होता है तथा प्रोटॉन के वाहक को सुझाव देता है कि प्रोटॉन का वितरण परऑक्सो की ओर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लीवेज के पहले करें, क्योंकि यह परऑक्साइड बिना प्रोटोनेशन की क्रियाविधि के ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज संभव नहीं होने देता। इसलिए इस कार्यविधि में सर्वप्रथम परऑक्सो यूनिट को प्रोटोनेट किया जाता है। यह प्रोटोनेशन की क्रिया एंजाइम में उपस्थित साइड चेन के माध्यम से होती है। आपने देखा कि प्रोटोनेशन के लिए बड़ा रिले तंत्र की कार्यविधि इसे संभव करता है। इसलिए इस संपूर्ण कार्यविधि में साइटोक्रोम P450 की कार्यविधि को संचालित करने में इन साइड चेन की भूमिका स्पष्ट होती है। एक अन्य अहम कार्य यह है कि एंजाइम में उपस्थित सिस्टीन इन इलेक्ट्रॉनों को सल्फर आयरन के माध्यम से आगे ढकेलता है, जो इसमें स्थित आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड से भी होकर गुजरते हैं। इसलिए यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को आसानी से तोड़ने में मदद करता है। लेकिन इसी स्थिति में अगर हिस्टिडीन हो तो यह बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि हिस्टिडीन इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने में उतना सक्षम नहीं होता जितना सिस्टीन। इसके अतिरिक्त हिस्टिडीन ऋणावेशित लिगेंड नहीं है, जबकि सिस्टीन ऋणावेशित लिगेंड होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को संपूर्ण रूप से मदद करता है। तो इस प्रकार सिस्टीन थियोलेट द्वारा मजबूत एक्सियल डोनेशन के माध्यम से आयरन केंद्र तक यह बड़ा धक्का ही आसानी से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीवेज करता है और हाई वैलेंट आयरन केंद्र को स्थिरता प्रदान करता है। यहाँ संपूर्ण रूप से सिस्टीन द्वारा बड़ा धक्का ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने या क्लीवेज में मदद करते हैं तथा आयरन केंद्र पर बनने वाला हाई वैलेंट आयरन ऑक्सो इंटरमीडिएट को भी स्थिरता प्रदान करता है। अगर आप सारांश में देखें तो सिस्टीन थियोलेट की भूमिका एवं उसकी तुलना अगर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पर स्थित हिस्टिडीन से करें तो कुछ निर्णायक तथ्य सामने आते हैं। प्रकृति ने दोनों साइटोक्रोम P450 या हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में हीम केंद्र स्थापित किए हैं, जो रिवर्सिबल ऑक्सीजन बाइंडिंग और ऑक्सीजन एक्टिवेशन का कार्य करते हैं।
अगर आप गौर से देखें तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पर यह रिवर्सिबल ऑक्सिजन बाइंडिंग इसलिए संभव होता है क्योंकि इसके निकट कोई भी सबस्ट्रेट नहीं होता, इसलिए यह ऑक्सिजन के ट्रांसपोर्ट का कार्य निपुणता से करते हैं और किसी भी अन्य ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ कोई भी ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन या साइटोक्रोम P450 के लिए समान स्पीशीज़ या इंटरमीडिएट होता है, लेकिन इसके बावजूद यह हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में केवल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट या रिवर्सिबल ऑक्सीजन बाइंडिंग करते हैं, जबकि अन्य कोई भी ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। जबकि दूसरी ओर साइटोक्रोम P450 वैसा ही इंटरमीडिएट बनाता है, बल्कि सबस्ट्रेट को भी अपने साथ जोड़ता है और इन विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ ऑक्सीजनेशन की अभिक्रिया भी करता है। जैसा आपने देखा था, यह बहुत अद्भुत है कि प्रकृति एक ही प्रकार का कोफैक्टर आयरन पोरफायरिन का उपयोग करते हुए दो अलग अलग कार्यों पर निर्णय लेती है। एक स्थिति में यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी स्थिति में ऑक्सीजन को संक्रियण कर ऑक्सीजनेशन की रासायनिक अभिक्रिया करती है। अगर आप दूसरे शब्दों में देखें कि यदि एक्सियल लिगेंड हिस्टिडीन से सिस्टीन का बदलाव करते हैं तो संभवतः हीम के फलन में अनुकूलता बैठा सके। इस परिवर्तन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना या क्लीवेज करना तथा आयरन ऑक्सो स्पीशीज़ जो हाई वैलेंट स्पीशीज़ होती हैं इन्हें भी स्थिरता प्रदान करना जैसे साइटोक्रोम P450 में होता है। आपने देखा प्रोटीन की पार्श्व श्रंखला संपूर्ण कार्यविधि में मदद करती है और योग्य वातावरण उपलब्ध करती है जिसमें प्रोटोनेशन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना या क्लीवेज करना और इसके साथ साथ सबस्ट्रेट बाइंडिंग सबस्ट्रेट अभिविन्यास और अन्य सभी प्रकार के सहयोग जो साइटोक्रोम P450 को कारगर एंजाइम बनाती है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह स्पष्ट हो गया है कि प्रकृति ने विभिन्न एक्सियल लिगेंड का चयन विभिन्न एंजाइम के लिए क्यों किया। यहाँ साइटोक्रोम P450 और हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के एक्सियल लिगेंड में फर्क होता है और आपने इनके कारण भी देखे, किंतु इनमें बाकी सब समान होता है। अब हम साइटोक्रोम P450 के प्रस्तावित उन अति क्रियाशील इंटरमीडिएट को देखें जिनको हमने विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा नोटिस किया था। क्या इन प्रस्तावित इंटरमीडिएट को संबल प्रदान करने के लिए कोई समर्थन प्राप्त है? ये सभी इंटरमीडिएट अत्यंत मुश्किल से क्रिस्टलित होते हैं और मैं सोचता हूँ कि सबसे विश्वसनीय डाटा हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक जैसे रेजोनेंस रमन EXAFS या UV विजिबल के साथ साथ न्यूनतम तापमान जो इनकी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इन पदार्थों को क्रिस्टलित करना और विभिन्न तकनीकों द्वारा इन इंटरमीडिएट को पकड़ने के प्रयास किए गए हैं। यहाँ क्रायो क्रिस्टलोग्राफी तकनीक में तापमान को घटाते हुए सुपर कूल परिस्थितियों में क्रिस्टलोग्राफी तकनीक द्वारा डाटा तैयार किया जाता है, किंतु इस तकनीक की अपनी सीमाएं होती हैं। इससे भी अधिक आवश्यक है कि प्राप्त क्रिस्टल की संरचना और इसकी गुणवत्ता यदि अच्छी नहीं है तो इससे उपलब्ध निष्कर्ष हमारे अध्ययन में समस्या उत्पन्न करते हैं। क्रायो क्रिस्टलोग्राफी अध्ययन और ट्रैपिंग तकनीक से संबंधित अनेकों मामले विवाद एवं विरोध उत्पन्न कर चुके हैं जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम के अध्ययन से संबंधित हैं, किंतु इसके बावजूद भी यह अध्ययन इन कल्पित इंटरमीडिएट पर प्रकाश डालते हैं। इन इंटरमीडिएट में से कुछ पर क्रिस्टलोग्राफिकल विश्लेषण द्वारा अध्ययन कर कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, किंतु यह स्वतंत्र रूप से भी विचार विमर्श का विषय नहीं है क्योंकि इसमें दृढ़ता की कमी है।
इन अध्ययन द्वारा और स्लाइड में दिये साइटोक्रोम P450 इंटरमीडीएट के स्ट्रक्चर से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन क्रिस्टल पर आयरन ऑक्सिजन केंद्र या आयरन केंद्र का विशेष रूप से क्या कोई अस्तित्व भी है। मैं सोचता हूँ यह प्रश्न योग्य है, जबकि आपने देखा इसकी क्रिस्टल की संरचना में पोरफ़ाईरिन आयरन केंद्र पर आयरन इसके समतल या प्लेन से बाहर उपस्थित होता है और ऑक्सिजन से बाइंडिंग और अपचयन पर सुपरऑक्सो बनाने के पश्चात समतल या प्लेन के अंदर आ जाता है, या यह भी कह सकते हैं कि यह ऑक्सीकरण द्वारा आयरन III प्लस और उसके पश्चात ऑक्सिजन से बाइंडिंग के बाद समतल या प्लेन के अंदर आता है। हमने क्रिस्टल की यही संरचना देखी थी और इस पर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कैम्फर एक्टिव साइट के ठीक सामने स्थित होता है। इस स्लाइड में क्रिस्टल की संरचना में भी प्रस्तावित किया गया है कि आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडीएट का क्रिस्टेलोग्राफिकल विश्लेषण द्वारा किया गया है, जिस पर विचार विमर्श हो रहा है। यहाँ विचार विमर्श इस बात पर है कि क्या यह आयरन IV ऑक्सो है या कि यह एक्वा अणु है। लेकिन इस विषय में क्रिस्टल की संरचना से प्राप्त जानकारी यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह हाई वैलेंट आयरन ऑक्सो इंटरमीडिएट है। यदि आप स्लाइड के चित्र को देखें तो यह पर्याप्त और स्पष्ट है कि इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, जो साइटोक्रोम P450 यौगिकों के लिए पूर्व में भी सूचित किया गया है। इसलिए यह संपूर्ण संकेत देता है कि यह इंटरमीडिएट ही है। इसी प्रकार स्लाइड में एक और इंटरमीडिएट है जो बताता है कि आयरन केंद्र ऑक्सीजन से बाउंड है, इसलिए यह इंटरमीडिएट अत्यंत रोचक है और इन में से कुछ विचार विमर्श के विषय भी हैं। इनका अध्ययन अत्यंत कठिन होता है और शायद इसलिए यह उच्च पारितोषक श्रेणी में आते हैं। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब एंजाइम द्वारा कैसे किया जाता है, इसलिए यह संश्लिष्ट अध्ययन अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं और आप इन यौगिकों के क्रिस्टल की संरचना को एंजाइम की क्रायोक्रिस्टलोग्राफी तकनीक से प्राप्त डाटा से कर सकते हैं, जो बहुत उपयोगी साबित होंगे। हम एक बार पुनः इसकी कार्यविधि को देखें। जो हमने प्रस्ताव दिया था कि आयरन III प्लस अपचयित होकर पहले आयरन II प्लस बनाता है, जो अभी भी पोरफ़ाईरिन के समतल या प्लेन का पूर्ण हिस्सा नहीं है, किंतु ऑक्सीजन से बाइंडिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के पश्चात आयरन III सुपरऑक्सो बनता है। इसके पश्चात यह पोरफ़ाईरिन के अंदर या कैविटी में प्रवेश करता है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और प्रोटोनेशन द्वारा यह आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज बनाता है। अब तक ऑक्सीजन बाइंडिंग वाले सुपर ऑक्सो इंटरमीडिएट या परऑक्सो इंटरमीडिएट के ढांचों का क्रिस्टलोग्राफिकल विश्लेषण किया गया है, जिससे पूर्णतः रोचक नतीजे सामने आए हैं। लेकिन कल्पित कर यह सभी इंटरमीडिएट क्रिस्टलित किए जा चुके हैं। यद्यपि क्रिस्टल की संरचना पूर्णतः निर्णायक स्रोत होता है, लेकिन इस विषय पर विचार विमर्श होता है कि क्या यह ट्रैप्ड इंटरमीडिएट अपने नाम और गुणों के अनुसार सही चिन्हित किए गए हैं। लेकिन इसकी कार्यविधि को अनेकों ग्रुप और तथ्यों द्वारा समर्थन प्राप्त है कि यह वही इंटरमीडिएट हैं, जबकि क्रिस्टलोग्राफिकल विश्लेषण से प्राप्त डाटा अभी भी विवादास्पद है। हम पुनः पीछे जाकर आयरन ऑक्सीजन के रसायन को देखें। यह आयरन हाइड्रोजन परऑक्सो के रसायन को देख आपको साइटोक्रोम P450 एंजाइम की रोचक अभिक्रियाएं याद आती हैं। हम अगले भाग में परऑक्सीडेस और कैटीलेस एंजाइम पर चर्चा करेंगे। इन एंजाइम पर भी हीम आयरन केंद्र होता है। इनकी कहानी भी रोचक है, क्योंकि यह इंटरमीडिएट को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं और इनकी अभिक्रिया के उदाहरण भी दिलचस्प हैं। जैसा आपने साइटोक्रोम P450 के साथ शुरुआत की, वैसी ही परऑक्सीडेस के साथ करें। हम आयरन III एक्वा कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ करते हैं, जिसमें फेरिक इसकी रेस्टिंग स्टेट होती है।
जैसा आपको पता है कि इसका आयरन केंद्र समतल या प्लेन से बाहर होता है और जल का अणु दूरवर्ती स्थान पर होता है। यहाँ आयरन III की रैस्टिंग स्टेट से और हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में यहाँ आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ बनते हैं, जिसे हम कंपाउंड जीरो भी कहते हैं, जैसा हमने परऑक्साइड शंट क्रियाविधि में चर्चा की थी। यह परऑक्सीडेस रसायन में एक तुल्यांक हाइड्रोजन परऑक्साइड एक जल के अणु को निष्कासित करता है और आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है। यह हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ प्रोटोनेशन द्वारा आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ के टर्मिनल हाइड्रोक्साइड ग्रुप को एक अन्य तुल्यांक जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं आयरन IV रैडिकल कैटायन ऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है। यह वही रसायन द्वारा हो रहा है जो आपने साइटोक्रोम P450 के विषय में देखा था, लेकिन यह बिल्कुल अलग एंजाइम है। यहाँ अनुकूल ऑक्सीजन और अपचय की गैर मौजूदगी में यह साइटोक्रोम P450 बिल्कुल अलग श्रेणी की और दिलचस्प एंजाइम का कार्य करती है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसके अनुरूप जल में परिवर्तित कर देती है। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड के स्थान पर अल्काइल परऑक्साइड है तो हाइड्रोजन परमाणु के डोनर की उपस्थिति में यहाँ यह उसी के अनुकूल अल्काइल अल्कोहल और जल का अणु का निर्माण करेगी। हम पुनः एक बार फेरिक की रैस्टिंग स्टेट से प्रारंभ करते हैं, जिस पर एक जल का अणु उपस्थित होता है। यह आयरन III हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया कर आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो इंटरमीडिएट बनाता है और साथ साथ जल के अणु का निष्कासन भी करता है। अब इसके पश्चात इस आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो पर उपस्थित इसका टर्मिनल हाइड्रोक्सो ग्रुप प्रोटोनेशन द्वारा एक अन्य जल के अणु में बदल जाता है। यहाँ प्राप्त प्रोटॉन का स्रोत हाइड्रोजन परऑक्साइड पर उपस्थित इसका टर्मिनल प्रोटॉन या हाइड्रोजन परमाणु होता है। यह संपूर्ण रूप से आयरन IV ऑक्सो रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट बनाता है और यह आयरन V ऑक्सो होता है, जैसा हमने पहले चर्चा की थी। यहाँ हम लिटरेचर में उल्लेख इन इंटरमीडिएट को आयरन III हाइड्रोपरऑक्सो या कंपाउंड जीरो और आयरन IV ऑक्सो या आयरन V ऑक्सो को कंपाउंड I कहते हैं। यह रेडिकल जैसे हमने चर्चा की या तो हीम केंद्र पर और या तो ट्रिप्टोफैन टायरोसिन पर उपस्थित होते हैं। इन्हें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन यानी कुल मिलाकर एक हाइड्रोजन के परमाणु की आवश्यकता होती है, जो इन हाई वैलेंट आयरन ऑक्सो को आयरन IV हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट में परिवर्तित कर देते हैं। हमने यह पहले भी साइटोक्रोम P450 में देखा था कि यह यौगिक पोरफायरिन पर बिना किसी रेडिकल कैटायन के कंपाउंड II कहलाते हैं। इस प्रकार यह कंपाउंड 0, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 के अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन या संयुक्त रूप में एक तुल्यांक हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिलकर फेरिक की रेस्टिंग स्टेट उत्पन्न करते हैं। हमने पूर्ण रूप से यह चर्चा की कि किस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें अंत में दो तुल्यांक जल देता है, और अगर हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो अंत में हमें एक तुल्यांक अल्कोहल और एक तुल्यांक जल का अणु मिलता है। जब ऑक्सीजन और अपचायक की उपलब्धता नहीं होती तब यह परऑक्सीडेस या साइटोक्रोम P450 की रासायनिक विधि दृश्य होती है। तब इस परऑक्सीडेस एंजाइम का रसायन बड़े कारगर रूप से हाइड्रोजन परऑक्सो को जल में परिवर्तित कर देता है। यह अत्यंत उपयोगी भी होता है, क्योंकि जब किसी स्थिति में परऑक्सीडेस की रासायनिक कार्यविधि उपस्थित नहीं होती तब हाइड्रोजन परऑक्साइड अनेकों प्रकार के साइड रिएक्शन करने में सक्षम होता है। अब हम कैटालेज के रसायन को देखें। यह कार्टिलेज के उत्प्रेरकी चक्र को भी संचालित करता है। हम एक बार फिर फेरिक रेस्टिंग स्टेट से प्रारंभ करते हैं। यहाँ आयरन III+ से जुड़ा एक जल का अणु होता है। हम इसे एक बार फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा उसी प्रकार परिवर्तित करेंगे जैसे आपने पहले देखा था, जहाँ
3 हायड्रोपरऑक्सो इंटरमीडीएट के माध्यम से परिवर्तन के पश्चात हमें 2 तुल्यांक जल प्राप्त हुआ है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी परऑक्सीडेस के विषय में की थी। यह यहाँ भी हाइ वैलेंट आयरन ऑक्सो इंटरमीडीएट या रैडिकल कैटायन के साथ आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडीएट बनाते हैं। यह रैडिकल कैटायन आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडीएट बिना उन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बाद भी पुनः सीधे अपनी रेस्टिंग स्टेट में पहुँच सकता है, अगर इसके पास पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड उपलब्ध है। जब पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड उपलब्ध होता है तो यह अतिरिक्त तुल्यांक जल प्रदान कर सकता है और आयरन III हाइड्रोक्सो एक्वा स्पीशीज़ को अपभ्रष्ट या डीजनरेट करने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। यह कैटलेस हाइड्रोजन परऑक्साइड को अपघटन करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 आयरन IV को 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपचयित करता है, इसलिए यह वास्तव में आयरन V होता है क्योंकि इस पर रेडिकल कैटायन होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा अपचयित होने पर ही हाई वैलेंट आयरन इंटरमीडिएट बनाने के लिए दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड ही जिम्मेदार होता है। यह परऑक्सीडेस रसायन की विशेषता है कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त नहीं भी है तो भी यह आयरन IV हाइड्रोऑक्सो का निर्माण करेंगे। हम इससे यह समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा ही यह निर्धारित करती है कि यह पुनः रेस्टिंग स्टेट बनाएगा या यहाँ फिर क्रियाविधि अनुसार आयरन हाइड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ का निर्माण होगा। यह स्पष्ट है कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त है तो अभिक्रिया इन दोनों इंटरमीडिएट रेस्टिंग स्टेट और आयरन हाइड्रोपरऑक्सो के मध्य ही सीमित रहेगी, किंतु अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त नहीं है या कम है तो ऐसी स्थिति में भी यह इंटरमीडिएट अपनी कार्यविधि प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अनेक स्थितियों में उत्प्रेरक की सक्रियता NADPH पर निर्धारित होती है, इसलिए इन्हें NADPH निर्भर उत्प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कार्य अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित साइट पर इलेक्ट्रॉन के अपचयन या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का सुचारू रूप से और बिना किसी समस्या के कार्य पूरा हुआ या नहीं, चाहे फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता में कमी हो या फिर इसकी मात्रा में। आपने देखा कि परऑक्सीडेस और कैटालेस उत्प्रेरकी चक्र यह दोनों ही साइटोक्रोम P450 के रसायन का हिस्सा हैं। विशेष रूप से परऑक्सीडेस के रसायन में भी कंपाउंड 0, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 इसी प्रकार बनते हैं जैसे आपने साइटोक्रोम P450 में देखा, किंतु परऑक्सीडेस रसायन में 2 हाइड्रोजन परमाणु की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। यह स्रोत से इसे भेंट के रूप में उपलब्ध होते हैं और इन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को यह 2 तुल्यांक जल में बदल देता है। यह केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के अल्काइल हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी इसी कार्यविधि द्वारा अल्कोहल और जल में बदल देता है। आपने देखा कि कंपाउंड 0, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 परऑक्सीडेस के चक्र का हिस्सा होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसा आपने साइटोक्रोम P450 में देखा था। यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड या अल्काइल हाइड्रोजन परऑक्साइड में से किस स्रोत का चयन हो वह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के रसायन की कार्यविधि संचालित होनी है या किस प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। यहाँ उत्प्रेरकी रसायन में केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड को ही शामिल किया जाता है और अल्काइल हाइड्रोपरऑक्सो को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। यह 2 तुल्यांक हाइड्रोजन परऑक्साइड स्पष्ट रूप से ऑक्सीजन और 2 तुल्यांक जल के अणु में परिवर्तित होता है। यह बहुत दिलचस्प है कि यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में शामिल है या उपलब्ध है तो यह उत्प्रेरक चक्र में बड़ी रोचकता से
अपघटन के पश्चात जल और ऑक्सिजन बड़ी कुशलता से बनाता है। यहाँ परऑक्सीडेस उत्प्रेरक चक्र में यह हमेशा संभावनाएं होती है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की गैर मौजूदगी में भी हाइ वैलेंट आयरन हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट बने, लेकिन कैटालेस उत्प्रेरक चक्र में आयरन IV हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट आगे की अभिक्रिया के लिए अवरोधक बनता है और पुनः रेस्टिंग स्टेट नहीं बनाता। अगर इस स्थिति में कैटालेस उत्प्रेरक चक्र में NADPH निर्भर उत्प्रेरक मौजूद हो तो यह आयरन IV हाइड्रोक्सो इंटरमीडिएट से पुनः रेस्टिंग स्टेट की अभिक्रिया सुनिश्चित करता है। अगर हम सारांश में देखें तो यह कैटालेस एंजाइम अनुसरण करने के लिए सबसे आसान होता है। यह मात्र दो इंटरमीडिएट के बीच शटल होती रहती है। यहाँ आयरन III एक्वा अणु आयरन III हाइड्रोपरोक्सो के मध्य से हाई वैलेंट आयरन ऑक्सो रेडिकल कैटायन बनाते हैं, जिसमें दो इंटरमीडिएट होते हैं, रेस्टिंग स्टेट और सक्रिय साइट, और एक दूसरे के बीच बहुत तीव्रता से शटल करते हैं। लेकिन इस क्रियाविधि के लिए इनके पास मदद के लिए पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड और NADPH होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं परऑक्सीडेस रसायन में यह शटलिंग रेस्टिंग स्टेट से प्रारंभ होती है, इसके बाद आयरन III सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यह इंटरमीडिएट इसके पश्चात उत्प्रेरक चक्र को परऑक्साइड शंट द्वारा सीधा कंपाउंड 0, फिर कंपाउंड 1 और फिर कंपाउंड 2 और इसके पश्चात अंत में आयरन III एक्वा या रेस्टिंग स्टेट बनाता है। जबकि साइटोक्रोम P450 रसायन में शटलिंग संपूर्ण चक्र के सभी स्टेप्स पूरे करते हुए, यानी यह पूर्ण चक्कर लगाकर संपन्न होती है। यह शटलिंग बहुत रोचक होती है क्योंकि यह परऑक्सीडेस में अर्ध चक्र होता है, जबकि साइटोक्रोम P450 क्रियाविधि में यह पूर्ण चक्र होता है, जिसमें परऑक्सीडेस के अर्ध चक्र का भी समावेश होता है। लेकिन कैटालेस एंजाइम के क्रियाविधि में यह शटलिंग केवल तीन इंटरमीडिएट के मध्य होती है, आयरन III रेस्टिंग स्टेट, कंपाउंड 0 जो क्षण भर के लिए रेस्टिंग स्टेट और कंपाउंड 1 के बीच अस्तित्व में रहता है, और कंपाउंड 1, और अंत में पुनः रेस्टिंग स्टेट बनकर चक्र पूरा होता है। आपने देखा इस स्लाइड में सबसे बड़ा चक्र जो सरल और स्पष्ट है वह साइटोक्रोम P450 की क्रियाविधि को दर्शाता है। इसमें परऑक्सीडेस की क्रियाविधि में रेस्टिंग स्टेट से प्रारंभ होकर परऑक्साइड शंट द्वारा कंपाउंड 0 से होता हुआ कंपाउंड 1 और फिर कंपाउंड 2 और उसके पश्चात अंततः आयरन III एक्वा या रेस्टिंग स्टेट बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड समतुल्यांक जल में परिवर्तित हो जाता है। इसी चित्र में कैटालेस एंजाइम के क्रियाविधि में केवल तीन इंटरमीडिएट शामिल होते हैं। इस कैटालेस में NADPH की उपलब्धता और हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता इस एंजाइम की अभिक्रियाओं को सुनिश्चित करती है। मैं अब इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा। हमने यहाँ साइटोक्रोम P450 परऑक्सीडेस और कैटालेस एंजाइम पर चर्चा की। मुझे लगता है ये स्पष्ट होता जा रहा है और ये सभी रोचक एंजाइम हैं जो अनेकों सुंदर रसायन का संग्रह है। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक आप साइटोक्रोम P450 और अन्य एंजाइम का अध्ययन करते हैं।